जो आज 4 बजे मुख्यमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, इस ऐप के लिए उसका हम इससे उपस्थिति हमारी होगी। शहर के द्वारा उपस्थिति मांगी जा रही है विभाग द्वारा, जो कि नामुमकिन है। हम लोग यहाँ से घर से निकले हैं अपने, अभी जा रहे हैं हम लोग, 8 बजे पहुँचेंगे वहाँ पर। अगर 8 बजे भी हमारी बच्चों के साथ उपस्थिति नहीं हुई तब हमें अनुपस्थित माना जाएगा विद्यालय। बताइए क्या समस्या है? हाई टेक करने के लिए ये विभाग है क्या? हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग ही रह जाता है हाई टेक करने के लिए। सरकार से क्या मांगे, आपकी क्या मांगे? हमारी मुख्य मांग है प्रेरणा ऐप का विरोध कर रहे हैं, प्रेरणा ऐप को हटना चाहिए, प्रेरणा ऐप लागू नहीं होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी, बताए। प्रेरणा ऐप का पुरजोर विरोध करता हूँ मैं। किस विभाग से हैं? बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ। सबसे पहले तो यही है कि यही विभाग मिला है प्रेरणा ऐप लागू करने के लिए। आप ये बताइए, जितने नियम कानून हमारे अधिकारी बनाते हैं वो एसी के रूम में बैठ के बनाते हैं। मैं कहता हूँ उनको अगर 1 महीने मास्टर बना दिया जाए तो उनकी अकल ठिकाने लग जाए वहाँ। आज मैं, कल से प्रेरणा ऐप लागू हो रहा है, आज मैं, मेरे 1.5 घंटे का रास्ता है, आज मैं कार चला के मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं 50 मिनट में मैं स्कूल पहुँचाऊँ, इतना अगर हादसा हो जाए। मुख्य रूप से आज जो है प्रेरणा आपका विरोध कर रहे हैं हम लोग, इसी के लिए यहाँ पर आए। इसमें किस प्रकार का काम दिया गया प्रेरणा में? देखिए, हम प्रेरणा ऐप का कोई, उसके पीछे जो भी एक नीयत है सरकार की, उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हमसे, हमें शिक्षक कार्य के लिए रखा गया है तो शिक्षक कार्य ही ले, हमसे जो बेकार ना ले। हम सुबह मास्टर मोहम्मद यामिन राइन और यूपी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का मैं यहाँ का सचिव हूँ बरेली से। और मेरा यहाँ पर ये नारा है कि वो प्रेरणा ऐप लाएंगे हम उसका जनाजा उठाएंगे, वो प्रेरणा ऐप लाएंगे हम उसकी अर्थी उठाएंगे। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि प्रेरणा ऐप का मैं बताऊँ आज का अनुभव। सुबह जितनी जल्दी हम उठ सकते थे उठे और 7:30 बजे घर से निकले, 15-20 मिनट का रास्ता था हमारा, गाड़ी में पंचर हो गया, दूसरी गाड़ी उठाई उसमें पेट्रोल नहीं, जैसे तैसे ठीक 8 बजने में कुछ मिनट थे स्कूल पहुँचे। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पता लगा कि मोबाइल जो था वो हो गया, लो हो गया, काम करना बंद। स्कूल में बिजली होते हुए बिल्कुल उसमें वोल्टेज नहीं थे जो कि चार्ज कर सको। उसके बाद 2 सूचना इस टाइप की आई, उसको तैयार करते करते करीब करीब 10-11 बज गए। मालूम हुआ तहसील से खबर आ गई कि आपको सुपरवाइजर की ड्यूटी करनी है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए, यहाँ मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में पहुँच गए तो ऐसी स्थिति में, वहाँ से आप छूट करके यहाँ धरने में आए हैं, ऐसी स्थिति में कौन सा काम जो है वो सही तरीके से संचालित होगा? ना ऐप ही संचालित हो पाएगी, ना मिड डे मील की सूचना ही जा पाएगी, ना जो है वो उसका समापन ही हो पाएगा। मैं यूपी एस जूनियर हाई स्कूल जो हमारा कलारी है, मैं उसका हेडमास्टर हूँ और सुपरवाइजर हूँ, 9 गांव है मेरे पास। अभी उन्होंने कहा आपने एक बैठक लगाई है BLO की, अब उसको हम बैठक लगाएंगे, वो समय भी उसी स्कूल टाइम में होगा और अगर नहीं होगा तो कोई आदमी सहयोग नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिससे यह ऐप किसी प्रकार से लागू हो ही नहीं सकता। तो मेरी ये मांग है।